इंस्पेक्टर साहब, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं भला ये बाइक चोरी क्यों करूंगा? आप प्लीज मुझे जाने दीजिए, मेरे घर में बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन चल रहा है। आप मुझ पर खामखा शक कर रही हैं, ये बाइक मैंने नहीं चुराया, प्लीज। नाम क्या है तेरा? नाम आयान राशिद खान। फटपटी किसकी है? मेरी है, यकीन मानिए। झूठ बोल लिया तू, बिल्कुल झूठ बोल लिया तू। फटपटी के कागज तो किसी और के नाम पे हैं। फटपटी है असद अहमद खान के नाम पे। असद अहमद खान कौन है जिसकी फटपटी तू घुमा रही है? बोल, कौन है असद अहमद खान? बोल बोल बोल। दे बोले असद अहमद खान तो मेरे मेरे क्या मेरे काका बाबा दादा मामा क्या तेरे? असद अहमद खान कौन है ये? बोल बोल। बिल्डर राशिद खान का बेटा है ना तू? ये तो अब्बू को भी जानते हैं, तो मेरी टैक्स लगेगी। सोच सोच। मैंने तेरे अब्बू को ये फोन करके बता दिया कि उनका लाडला बेटा फटपटी चोरी करने के जुल्म में थाने में बंद है, तो उन पे क्या गुजरेगी? चल बड़े साहब के पास। बड़े साहब, चोरी करते हुए पकड़ा गया है। लेके जा इसको, बुरी तरह से तोड़ और समझा, यहां पत्थर भी बोलते हैं। चल चल, बहुत चोरियां कर ली। साहब मैंने चोरी नहीं की है। आज तुम्हारे यहाँ कुछ फंक्शन चल लिया ना, कुछ रसम वसम चल ली है, बहुत सारे मेहमान होंगे वहां पे, खुशियों का माहौल चल लिया हुआ है, इसलिए मैं सोच मैंने फोन करके कह दी तो माहौल खराब हो जाएगा। लेकिन हमने तो चोर को पकड़ा है, तो हमें तो कार्यवाही करनी पड़ेगी है? बता दे ये असद अहमद खान कौन है जिसकी फटपटी तू लेकर घुमा रिया है? बोल दे बोल दे। आया मेरी बात ध्यान से सुनो, घर पे किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि वो बाइक मैंने तुमको दी है। इस वक्त तुम्हें या मुझे ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से निकट के निकाम में कोई भी प्रॉब्लम हो। ये इस तरह नहीं बताएगा। मैं अभी इसके घर में फोन करके बताता हूँ कि आपका लड़का चोरी के केस में पकड़ा गया है, तब जाके सच सामने आएगा। मैं नहीं बोलता तो ये फोन करके घर पे सब कुछ बता देंगे, सबको पता चल जाएगा कि असद भाई ने मुझे ये बाइक दी है। जब ये बात हसीना भी को पता चलेगी तो खुदा जाने वो क्या करेंगे, कहीं निकात और इमरान की शादी को मना ही ना करते। रुकिए, मैं आपको बताता हूं कि असद अहमद खान कौन है।